आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो गैर वाजिब कहा था मेरी लिंक, आप बोले गलत कह दिया। आपको सुनना पड़ेगा पहले, आपको सुनने की आदत नहीं, गलत नहीं बोला। आप लेके आ रही है, आप गलत व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं करेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं कोई व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। कहाँ से व्यक्तिगत मुझे सुनने की आदत है या नहीं, ये आप पे नहीं करेंगे रोहन गुप्ता। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप जजमेंट लेके आए। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो गैर वाजिब, ये गलत एनकाउंटर है। आपने कैसे, अरे हाईकोर्ट बोल रहा है भाई, पढ़िए वर्डिक्ट जरा हाईकोर्ट का निकाल कर। चैलेंज के साथ बोलता हूँ गरीबी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोदी अड्डा में। उम्मीद है इस चैनल को भी आप बहुत ज्यादा प्यार देंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। आज की बहस गरिमा सिंह है कि इस बहस में आप देखने वाले हैं कि रोहन गुप्ता जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इनकाउंटर को डिफेंड करने के लिए आए हैं। परंतु जिस तरीके से यूपी में इनकाउंटर हो रहे हैं, सीधे सर पर गोली मारी जा रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये क्या तरीका है। इसी को लेकर गरिमा सिंह सवाल पूछ रही थी, जिसमें रोहन गुप्ता काफ़ी बौखला जाते हैं और कहते हैं कि आपका तो जो सवाल पूछने का तरीका और मंशा है वो कुछ अलग ही है। देखिए, पॉलिटिकल इनकाउंटर, पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए इनकाउंटर कि मंगेश यादव को एसटीएफ पकड़ने निकली, शॉट डेड ऑन हेड। अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ पकड़ने निकली, शॉट डेड ऑन हेड। अक्षय शिंदे को पुलिस की कस्टडी में जब गोली मारनी पड़ी आत्मरक्षार्थ, तो छोटी सी वैन में भी नाकाबू हुआ, वो नाकाबू हो पाया, शॉट डेड ऑन हेड। इस सब पॉलिटिकल कोइंसिडेंसेस हैं क्या? गरिमा जी, पहले तो काफी समय के बाद आप मेरे तक आई हैं, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए मेरी बात रखने के लिए। आपके जो कैप्शन आपने दो रखे हैं, मेरे लिए दिमाग में भी एक कैप्शन आ रहा है कि पुलिस ने गोली खाई, वो आपको नजर नहीं आई। गरिमा जी, कब से आपने हाईकोर्ट की टिप्पणी के बारे में ये कहा और हाईकोर्ट की टिप्पणी के आधार पे आप ये निष्कर्ष पे आ गए, ये तो गलत हुआ है। हम कैसे कह सकते हैं, हाईकोर्ट का काम है सवाल पूछना और पुलिस का काम है जवाब देना। क्या हमारा जो एपीआई है उसने जो गोली खाई वो फर्जी है? क्या कोई आदमी अपने को खुद को गोली मार लेगा? आप उसके ऊपर सवाल ही नहीं उठा रही। गोली खाने के बाद गोली मारना आप बोल रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठा रही है, तो उस गोली पे तो सवाल उठाइए। कभी आपने उस एपीआई का इंटरव्यू का तब उससे पूछिए और फिर जवाब लीजिए ना। देखिए, हाईकोर्ट का काम है, यहां पे जब लॉ की बात आती है, जस्टिस की बात आती है, जब भी ऐसा कोई वाकया होता है हाईकोर्ट सवाल पूछती है। पर उस सवाल के ऊपर से जिस हिसाब से आपने स्टार्टिंग की, तो 10 मिनट आप जजमेंट पे पहुंच गए कि फर्जी है, मेरी उसमें आपत्ति है। नहीं, सुनिए ना, एक मिनट गरिमा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं पहले, नहीं गरिमा जी, आपको आप उनका सवाल पूछने का अधिकार है, पर उस सवाल के बिना पे आप जो जजमेंट पे आ रही है वो आपकी गलती है। आप गलत जजमेंट पे आ रही है। आप शुरुआत से जो लाइन आपने पकड़ी है, हाईकोर्ट का काम है सवाल पूछना। अरे गलत होता है तो भी आपको जजमेंट आ रही है, बिल्कुल आपने लाइन पकड़ी है। आप सुन लीजिए, नहीं वो ठीक है, वो सवाल वो नहीं सुन लीजिए गरिमा जी, नहीं आज नहीं, आज नहीं, आज मेरी बात सुनेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे। हम कैसे नहीं गरिमा जी, आप मेरी बात को नहीं, आप नहीं बोलेंगे गरिमा जी। अगर आप बुलाती हैं मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैंने पूरी बात सुन ली आपको। आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी लिंक, आप गरिमा जी, आपको सुनना पड़ेगा पहले, आपको सुनने की आदत नहीं, गलत नहीं बोला। आप लेके आ रही है, आप गलत व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं करेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं कोई व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। कहाँ से व्यक्तिगत, मुझे सुनने की आदत है या नहीं ये आप पे नहीं करेंगे रोहन गुप्ता। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप जजमेंट लेके आए। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो गैर वाजिब की, क्या कहाँ से लेके आ गई? नहीं उठ, कब कहा हाईकोर्ट ने, कब कहा कि ये गलत था, फर्जी? आप जजमेंट दे दिया हाईकोर्ट ने, आज सवाल पूछा हाईकोर्ट ने, पुलिस उसका जवाब देगी, उसके ऊपर आप बात करिए ना। पर आज तो आप जजमेंट पे पहुंच गई, क्या कहां चली गई दो गोली, यहां पे क्यों लगी? अरे पुलिस जवाब देगी, आप सवाल तो पूछिए, आप सवाल पूछिए, हाईकोर्ट के ऊपर टिप्पणी कीजिए, पर जजमेंट पे आने का अधिकार किसी को नहीं है। गरिमा जी, हम सब यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, मैं आपका, अरे भाई रोहन गुप्ता आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नहीं अरे ऐसे नहीं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गरिमा जी आप अपना कॉन्फिडेंस अपने पास रखिए। आज मैं कभी भी आपको, गरिमा जी मैं कभी भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, नहीं बिल्कुल, ये कब का फर्जी है
ये कब कहा कि आवाकिया फर्जी, वो बताइए ना आपको। दिस कैन नॉट बी टर्मड एज एन एनकाउंटर, ये एनकाउंटर के तौर पर इसको नहीं लिया जा सकता। दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस टू द पुलिस। तो गलत सवाल पूछ रही है क्या? क्वेश्चंस यही तो पूछ रही हो आप। नहीं, आपने जजमेंट पे चली गई। आप क्या बोल रही है, यहाँ कैसे लग गई, दो गोली कहाँ चली गई? तो क्या एपीआई ने गलत गोली खाई? एपीआई ने अपने आप अपने पांव पे गोली मारी? ये कैसे सवाल पूछ रही है? अरे रोहन गुप्ता, ये सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ भाई। नहीं, आप जजमेंट मत करिए। अरे गरिमा जी, आप जजमेंट पे मत आइए। मैं कभी भी नहीं बोला रोहन गुप्ता, जिसने भी गलत किया हो आप अपना शो रो अपने शो को रिवाइंड करके गरिमा जी जब खत्म हो देख लीजिए। मैं कभी भी आज तक नहीं बोला, पहली 10 मिनट जिस प्रकार से आप पूरी चीज को लेके गई, मैं आप पर आसान है रोहन गुप्ता, सवाल का जवाब पुलिस का काम है, पुलिस का काम है जवाब। नहीं, आप फर्जी का आप सर्टिफिकेट करना हो नहीं सकता। आप कैसे पूछ रही है फर्जी? आप कैसे बोल सकती हैं कि ये गलत एनकाउंटर है? आपने कैसे? अरे हाई कोर्ट बोल रहा है भाई, पढ़िए वर्डिक्ट जरा हाई कोर्ट का निकाल कर। कहां बोल रहा है? मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं गरिमा जी, हाई कोर्ट ने कब कहा कि फर्जी है? और सच क्रूशियल इंपॉर्टेंट केसेस, दैट डजंट मीन इट इज फेक, दैट डजंट मीन इट इज फेक। दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, नो गरिमा जी, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस and police will answer those questions. But till that time we should hold our horses and wait for the police to reply and then comment of High Court. अगर High Court उसके बाद भी संशोधन करती है, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। पर आज नहीं कर रहे गरिमा जी, आज अदालत ना तो रोहन गुप्ता, अब सुन लगी है, अब थोड़ा सा धैर्य रखिए रोहन गुप्ता। इस बात का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं कि भाई जो अदालत ने कहा गलत कहा क्या, गैर वाजिब कहा? नहीं, मैं तो बिल्कुल जवाब दिए, मैं तो आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने जजमेंट सुना दिया। ट्रेंड ऑफ आप 10 मिनट, मैं तो सारे जवाब दिए। अरे आप अपना वन साइडेड गरिमा जी, आपके शो पे आप जज नहीं बन सकती हैं। तो योगी मॉडल करवा रही है गरिमा जी आपका। जी हाँ दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। एनकाउंटर सही हो गलत हो, उससे पहले एक चीज है कि वैन के अंदर इनकाउंटर हो जाता है कि वह हाथापाई करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने डिफेंस में गोली चलाई, सर पर लगी। कई जगह पर ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, लगातार ऐसे खबरें भी आती रहती हैं, इनकाउंटर होते ही रहते हैं। तो क्या यूपी में एक ही रास्ता है गुंडों को काबू में करने का, वो इनकाउंटर? और इनकाउंटर कुछ ऐसे आ रहे हैं जो कि लगातार, आपको याद होगा विकास दुबे का वो इनकाउंटर, पूरी मीडिया को पता था इनकाउंटर होने वाला, इनकाउंटर हो गया। तो यानी क्या सरकार जो पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, क्या इसके अंदर क्या कुछ बेकसूर लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, उनका भी हो रहा है? और क्या सरकार चुन चुन कर उन्हीं चुनिंदा लोगों को निशाना बना रही है? क्या इसमें राजनीतिक मंशा है या फिर वाकई जो गुंडे माफिया हैं उनका इनकाउंटर हो रहा है? इसी पर जब सवाल पूछने की लगातार कोशिश कर रही थी तो गरिमा सिंह पर भी रोहन गुप्ता व्यक्तिगत आ जाते हैं कि आपका तो तरीका ही अलग है, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मुझे आप सुनिए। हालांकि रोहन गुप्ता पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखा करते थे, इनकाउंटर के खिलाफ हुआ करते थे, आज उनके पक्ष में तर्क रख रही हैं। तो आप इंसान को मान सकते हैं कि वो कहीं गलत नहीं होता है, वह अपने गलत और सही के तर्क खोज लाता है, चाहे कितना भी गलत हो कितना ही सही हो। इस वीडियो को देखकर तो आपको यही लगेगा। इनकाउंटर वाले विषय पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।